डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिया है तो वो सभी के लिए आज हम कट ऑफ लेके आए हैं। तो टेक्नीशियन ए का चाहे कोई भी ट्रेड हो, फिटर, इलेक्ट्रिशियन हो, सर्वेयर हो, जो भी ट्रेड है जो जिसमें वैकेंसी आए थे, तो उसमें क्या क्या कट ऑफ, कौन सा रूल्स में कट ऑफ आ सकता है, ये वीडियो स्पेशल होगा आपके लिए, क्योंकि हम उसका कट ऑफ कैसे निकाला जाता है तो उसका तो अकॉर्डिंग रूल्स कहीं पर भी बताया नहीं है, लेकिन हम जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उसके साथ बात करके हम एक उसका जो लॉजिक निकले हैं तो उसको हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कैसे आपको कट ऑफ में आ सकते हैं, आपका एग्जाम अच्छा हुआ है नहीं हुआ है उसके बाद उसको कट ऑफ में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे हैं डे शिफ्ट 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 यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डीआरडीओ का एग्जाम, टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम था वो एक ही दिन में नहीं हुआ था, वो अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। तो इसके लिए सभी शिफ्ट का हमें उसका जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि उस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन रहा था, किस तरह क्वेश्चन उसमें टफ आया था, कितना नंबर उसमें आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं कि डे नंबर वन, मान लीजिए जिस दिन से डीआरडीओ का एग्जाम शुरू हुआ है तो उसी दिन का डे नंबर वन से हम अगर बात करें तो डे वन में तीन शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, जैसे कि वन शिफ्ट हुआ था मॉर्निंग में, एक शिफ्ट हुआ था और सेकेंड शिफ्ट हुआ था और थर्ड शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो तीन शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उसी के बाद उसमें जो एग्जाम के बाद जो उसमें रिजल्ट आएगा, तो इसी तरह हमें एग्जाम जो देखने को मिला था डे नंबर टू थ्री फोर, इस तरह जो भी हम एग्जाम दिए थे उसी टाइप में हमें क्या देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डे नंबर वन में वन शिफ्ट में मान लीजिए आपका एग्जाम हुआ था, तो इस एग्जाम में कितना बच्चा अटेंड हुआ था, उसमें 100 बच्चा मान लीजिए आप, उसमें 100 बच्चा अटेंड हुआ था, ठीक है। और इसमें शिफ्ट टू में यहाँ पर अटेंड हुआ था हमारा 80 बच्चा अटेंड हुआ है, और इसमें भी 100 बच्चा अटेंड हुआ है शिफ्ट नंबर थ्री में, ठीक है। इसी तरह सभी डे में इसी तरह लॉजिक आएगा, हो सकता है ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, ये हम एनालिसिस करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत सर्च करके हमने बनाया है ये वीडियो। तो यहाँ पर देखिए डे वन में शिफ्ट वन में 100 बच्चा ये अटेंड हुआ है, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं कि अटेंड हुआ है 100 बच्चा। और इसमें क्या है कि जो टॉप क्वेश्चन में कितना परसेंटेज, हाईली परसेंटेज निकले आए हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पर इसका मैक्सिमम स्कोर आ रहा है 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो 80 मैक्सिमम उसका मार्क्स आया है, 80 मार्क्स आया है। और शिफ्ट टू में यहाँ पर हम देखेंगे कि उसका मान लीजिए 80 यहाँ पर 60 मार्क्स आया है, हाईएस्ट मार्क्स 60 आया है। और यहाँ पर शिफ्ट थ्री में यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 आया है इसका मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, इसका मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। शिफ्ट वन में यहाँ पर 80 आया है, और शिफ्ट टू में 60 आया है 60, और शिफ्ट थ्री में 40 नंबर आया है उसका मैक्सिमम मार्क्स। तो उसमें क्या होगा, उसमें मान लीजिए आपका कितना नंबर मिला है, उसके बाद आपका परसेंटाइल होगा, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन करके आपका कितना मार्क्स आ सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर मान लीजिए 80 आया है, तो ये 80 100 बच्चों में 80 आया है, 80 मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, तो ये 80 नंबर को मान लेते हैं, जो एग्जामिनर है वो मान लेगा कि ये 100 नंबर के बराबर है, ये 80 नंबर जो है ये 100 नंबर के बराबर है, और ये जो 60 है ये 100 नंबर का बराबर है, और ये भी जो 40 मिला है ये 40 भी 100 मार्क्स के बराबर है। तो ये जो भी जिसका भी जो भी बच्चों का जो भी शिफ्ट में नंबर मिला है उसको 100 नंबर पे उसको मान लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये 100 नंबर पे देखेगा कि कितना वैकेंसी आए थे, 800 से ज़्यादा वैकेंसी था हमारा, 800 से ज़्यादा वैकेंसी थे, तो उसमें मानेगा कि कितना परसेंटेज, कितना स्टूडेंट है और कितना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यहाँ पर बताया गया था कि 8 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 100 नंबर के बराबर इसका 50% कितना होता है, 80 में 40% उसका जो 50 होगा ये मान लीजिए हो सकता है 40 होगा, इसका जो 50% होगा 60 में ये 30 होगा, और यहाँ पर देखिए ये 40 में 20 होगा। तो इसका लेकिन आप देखिए यहाँ पर बच्चों को मिला है 40 मिला है, 30 मिला है, 20 मिला है, लेकिन इसका जो परसेंटाइल है, इसका जो मार्क्स है ये बराबर है, क्योंकि ये 20 भी जितना बराबर जितना परसेंटेज है, ये 40 भी उतना ही परसेंटेज है। तो ये परसेंटाइल में इसी तरह नॉर्मलाइजेशन होता है, ताकि कोई भी बच्चों का 10 मिलने के बाद भी उसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आ जाता है, क्योंकि ये उसका जो एग्जाम होता उसी एग्जाम में टफ क्वेश्चन आया था उसी शिफ्ट में, तो उसी के बराबर में उसका परसेंटाइल किया हुआ है उस शिफ्ट का।
ठीक है। तो हो सक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, ये सभी में 50% अगर हमने सोचा है कि 50% धर्म उसमें एक्सपेक्टेड किए हैं तो 50% का बराबर होता है 20, 30, 40, और इसके बाद कितना वैकेंसी है ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें, और जो भी ट्रेड है अगर एक एक ट्रेड का कटअप के बारे में बात करूं तो मान लीजिए 126 वैकेंसी है फीटर का, तो 126 वैकेंसी है तो उसी में कितना कटअप में कवर कर रहा है उस स्टूडेंट, क्योंकि इससे आज बोला स्टूडेंट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट पे, ठीक है, स्किल टेस्ट या टेंट टेस्ट में उसमें बुलाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में जो प्रैक्टिकल टेस्ट देने जाएगा तो उसमें जो बच्चों को बुलाया जाएगा वो उसका परसेंटेज आएगा, उसी के साथ परसेंटेज निकल कर आएगा कि 100 में कितना परसेंटेज, इसमें इसी शिफ्ट में कितना हाईएस्ट परसेंटेज हो रहा है और इसमें कितना हाईएस्ट परसेंटेज हो रहा है और इसमें कितना हाईएस्ट परसेंटेज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कितना बच्चों को लिया जाएगा, तो ये 8 गुना बच्चों को उसमें कवर हो रहा है तो इसी को उसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये कट ऑफ के बारे में। तो आप बात कर लेते हैं कि फीटा ट्रेड का, किसी एक ट्रेड का बात करेंगे तो फीटा ट्रेड का अगर बारे में बात करेगा तो फीटा ट्रेड का बहुत सारा स्टूडेंट के साथ बात की है हमने, तो उसके साथ बात करके ये हाल निकला है कि उसका जितना भी जो क्वेश्चन पेपर था, सभी क्वेश्चन पेपर जो भी शिफ्ट में हुआ था तो सभी शिफ्ट में इजी नहीं था, और कुछ कुछ शिफ्ट में तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ भी स्टूडेंट बोल रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा इजी आ रहा था और लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा डीप आ रहा था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा ईजी नहीं था, थोड़ा मॉडरेट था, मतलब हार्ड भी नहीं था लेकिन बहुत ईजी भी नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है फिटर ट्रेड का। तो उसी टाइप में हमें देखने को मिलेगा कि 120 नंबर का क्वेश्चन था, 120 नंबर 120 नंबर का क्वेश्चन था, तो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन का आया था, तो उसमें कितना परसेंटेज कितना आपका कटअप आ सकता है, तो हमने बात करके ये तय किए हैं कि यूआर का यानी जनरल का इसका कटअप आ सकता है, एक्सपेक्टेड कटअप आ सकता है हमारा 94 तक, ठीक है, 94 तक इसमें कटअप आ सकता है, तो इसकी एक्सपेक्टेड कटअप है, क्या है, एक्सपेक्टेड कटअप है, क्योंकि इसमें बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, दो चार नंबर बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, और उसके बाद ओबीसी एससी एसटी जो भी है तो उसका भी उसका 88 से 86 है, ठीक है, 86 से उसका परसेंटेज जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूआर का जितना भी परसेंटेज होता है ओबीसी का कुछ कुछ टाइम पे वैकेंसी कम रहता है तो ज़्यादा भी चले जाते हैं, यूआर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है ओबीसी का, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूआर का ज़्यादा जाएगा कि 94 तक हो सकता है फिटर ट्रेड के लिए, और उसके नीचे आपका ओबीसी एससी एसटी में हो और ईएक्स सर्विसमैन में हो तो आपका उसके नीचे ही कटअप आ सकता है, ठीक है। तो आप मान के रखिएगा कि 94 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिटर ट्रेड के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही, देखते रहिएगा टेक्निकल एसी यूट्यूब चैनल को, और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ भी बताना है आपका एग्जाम के बारे में और इस वीडियो को कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर तरह इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम में। जय हिंद।